क्या आप भी अपने बिजनेस में अपने कंपटीटर से आगे निकलना चाहते हैं? खास तौर पे यदि आप लोकल में कोई भी कस्टमर सर्च करता है तो आपका बिजनेस नीचे आता है और आपके कंपटीटर का बिजनेस टॉप पे आता है। तो उस स्थिति में अब ये जाहिर सी बात है कि सोचने वाली हो जाती है कि आखिर हम क्या करें तो हमारी बिजनेस टॉप पे आए। कुछ ऐसा ही कॉमेंट हमारे पास आया है असद जावेद जी का। इन्होंने लिखा है कि सर प्लीज़ इफ़ यू कैन गाइड अस एंड मेक ए डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू डू कंप्लीट जीएमबी कंपटीटर एनालिसिस। तो कंपटीटर की जो एनालिसिस है जीएमबी लेवल पे किस तरह से होगा, ये चाहते हैं कि एक वीडियो बनाया जाए। और साथ में इन्होंने एक चीज़ और बोला है, एंड बिजनेस डायरेक्ट्रीज ऑन विच दे हैव लिस्टेड देयर बिजनेस सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट और बिजनेस डायरेक्टरी एंड साइटेशन ऑन दोज वेबसाइट। यानी ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो भी हम पता कर लें कि वो किन किन डायरेक्टरीज पे वेबसाइट पर साइटेशंस लिस्टिंग बनाए हुए हैं ताकि हम भी अपना वहाँ पे लिस्टिंग जो है बना सके। इसके अलावा इन्होंने हमें धन्यवाद दिया है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो जावेद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने कमेंट करके हमें इस चीज़ को गाइड किया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और आप भी, आपके पास भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है या मेरे लिए सजेशन है तो आपका भी कमेंट बॉक्स में स्वागत रहेगा। हो सकता है कि अगला वीडियो मैं आपके टॉपिक यानी आपके कमेंट के आधार पर भी बना सकूं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं जो कि आपके बिजनेसेस को डिजिटली ग्रो कराने में हेल्प करता है। तो आज की जो टॉपिक है बहुत ही स्पष्ट है कि हम अपनी कंपटीटर का जीएमबी एक तरह से एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि हम कहां कहां पीछे हैं, उनकी किन किन चीज़ों को देखना जरूरी है। हालांकि जावेद जी के जो पूरी कॉमेंट है उसमें एक वीडियो से तो पॉसिबल नहीं है, तो इनको मैं दो पार्ट में प्रयास करूंगा वीडियो बनाने का, दो या तीन पार्ट में। लेकिन पहली जो आज की वीडियो है कंप्लीट रूप से जीएमबी कंपटीटर एनालिसिस पे होने जा रही है। तो यदि आपका भी ये टॉपिक या ये आपका प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो डिटेल में बनाता हूँ, उस स्थिति में मैं वीडियो की लेंथ को ध्यान में नहीं रख पाता हूँ। तो आप प्रयास करेंगे कि पूरी वीडियो अंत तक जरूर देख लेंगे, तभी जा करके प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने बिजनेस में। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इसको डेस्कटॉप यानी लैपटॉप स्क्रीन के थ्रू मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो पहली चीज जो है वो मैंने रखा है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अपने कंपटीटर की प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस कीजिए। और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या देखना है मेनली, आप बिजनेस नेम देखिए, देखिए उनके जो बिजनेस नेम है वो कंपेयर कीजिए कि उनकी नेम प्रॉपर ऑप्टिमाइज है और आपका कहीं नहीं तो है, तो उसमें किसी तरह की कीवर्ड इंक्लूडेड है, तो ये चीज़ पहला देखना जरूरी है। दूसरा कैटेगरी देखिए, जो भी आप प्राइमरी या सब कैटेगरी ऐड किए हुए हैं या कंपटीटर आपके जो ऐड किए हुए हैं उसमें क्या मिसमैच हो रहा है, वो कौन ऐसा कैटेगरी या सब कैटेगरी ऐड किया है जो कि आप छोड़ दिए हैं, तो ये कैटेगरी उनका जाकर के आप जरूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन आप देखिए कि उनके डिस्क्रिप्शन में किस तरह का कीवर्ड यूज किया गया है, किस तरह का टोन यूज किया गया है, किस तरह से उन्होंने कंप्लीट किया है अपने डिस्क्रिप्शन को, ओवरऑल आपके बिजनेस के जो इंडस्ट्री है उससे रिलेवेंट कीवर्ड को उसने समाहित किया है या नहीं किया है, ये चीजें जा करके एनालिसिस कीजिए उनके डिस्क्रिप्शन को। और चौथी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को भी देखिए, कहीं उनकी वेबसाइट है आपकी वेबसाइट नहीं है, ऐसा तो नहीं आपकी मोबाइल नंबर ही शो नहीं कर रहा है उनका मोबाइल नंबर शो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उनकी एड्रेस प्रॉपर है वहां पे आपकी एड्रेस कहीं और है, आपका पिन कहीं और हो रहा है, तो ये तमाम चीजें आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। अब ये सोचेंगे कि सिर्फ हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल मेरा दिख रहा है और उसके बदौलत हम टॉप पे आना चाहेंगे, तो नहीं आने वाला है, आपको उन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा आखिर वो नंबर वन पे क्यों है, कहां आप पिछड़ रहे हैं। तो बेसिक तौर पे पहली चीज मैंने आपको बताया प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। अब सेकंड चीज की मैं बात करता हूं वो है आपका रिव्यू एंड रेटिंग। अब रिव्यू एंड रेटिंग में क्या है, आप जाकर के देखिए उनकी टोटल नंबर ऑफ रिव्यू कितने हैं। आपका 50 है तो उनका 200 तो नहीं ना है,
दूसरी चीज रिव्यू की फ्रीक्वेंसी भी चेक कीजिए कि जो रिव्यू आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका महीने में एक या दो आ रहा है और उसका महीने में 10-15 आ रहा है। तो एक फ्रीक्वेंसी भी आप चेक कीजिए कि प्रॉपर यदि आप पे रिव्यू आएगा तो इसका मतलब होता है कि आपके यहाँ एक्टिव कस्टमर यानी रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तो रेगुलर कस्टमर आते हैं लेकिन रिव्यू नहीं जाता है तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको भी रेगुलर एक्टिव रिव्यू भी लाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे आप लोगों से रिव्यू के लिए इंकरेज करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिव्यू की कंटेंट को भी देखिए, एनालिसिस कीजिए कि उनकी जो रिव्यू है वो उनके प्रोडक्ट या सर्विस पर किस तरह से, क्या उनके विचार है, क्या उनके कंप्लेंट्स है या क्या उनके कॉम्प्लीमेंट्स है। यदि वो पॉजिटिव बोले हैं तो क्या बोले हैं, निगेटिव बोले हैं तो क्या बोले हैं, उस जो उनकी कंप्लेंट या कॉम्प्लीमेंट्स में किसी किस तरह का कीवर्ड का एक तरह से मेंशन किया गया है, ये भी जाकर के आप जरूर एनालिसिस कीजिए। और अपना भी देखिए कि हमें कहाँ पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनका देखेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा। रिस्पांस रेट भी देखिए कि यदि उनके पास रिव्यू आता है तो वो तुरंत सेम डे या विद इन वीक रिप्लाई करते हैं कि रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और आप देखिए कि आपकी स्थिति क्या है। और निगेटिव रिव्यू को भी आप देखिए कि उनके पास यदि किसी तरह की निगेटिव रिव्यू आ रहा है तो वो किस तरह से उसको इफेक्टिव तौर पे रिसोल्व कर रहे हैं, जो भी इशू आ रहा है उस पर किस तरह से रिप्लाई दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को रिव्यू और रेटिंग में भी एनालिसिस करने की जरूरत है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरी पॉइंट है हमारी पोस्ट। अब पोस्ट में मेनली क्या है कि आप पोस्ट की फ्रीक्वेंसी देखिए, उनकी पोस्ट सप्ताह में 2 आता है, 3 आता है, 1 आता है या महीने में 2 आता है और आपकी क्या है। इसके अलावे जो भी एक्चुअली में पोस्ट जो है ना आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है, और उस पोस्ट का टाइप भी देखिए, यानी कि उनकी पोस्ट किस तरह की होती है, एजुकेशनल पोस्ट होती है, प्रमोशनल होती है, इवेंट वाली होती है, ऑफर वाली होती है, प्रोडक्ट की अपडेट होती है, उन तमाम चीजों को देखिए। वो उनका कोई यूनिक डील है, न्यूज है, कोई भी, यानी कि एंगेजमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, ये चीजें भी आप उनकी जाकर के एनालिसिस कीजिए। इसके बाद उनके पोस्ट पर एंगेजमेंट की क्या स्थिति है, उस पर कमेंट, लाइक, व्यू जो भी आ रहे हैं वो का उसका क्या स्थिति है, उसका जो ऑडियंस है, उनके जो कंटेंट है, वो तमाम चीजों को आपको एनालिसिस करना है पोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे जाकर के। तीसरी चौथी की बात हम लोग करें तो वह है आपकी फोटोज एंड क्वालिटी, अब सॉरी फोटोज एंड वीडियो। अब फोटोज एंड वीडियो में दोनों के लिए पहली चीज मायने आ रही है क्वांटिटी, यानी संख्या कितनी है, आपके प्रोफाइल पे फोटो और वीडियो कितने हैं, 10 है, 20 है, 50 है, और उसके प्रोफाइल पर कितने हैं। मेनली आपकी उसकी कंपटीटर की एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले तो आपको उसी का देखना है। वो तमाम चीजें आप राइट डाउन भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने निकाल करके उसको आपको एक तरह से एनालिसिस करना है, मिलान करना है। तो उसमें आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ फोटो एंड वीडियो कितने हैं, उस फोटो की जो इमेज है उसकी ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर इंट्रैक्शन क्या किस तरह से है, उसका भी आप नंबर को चेक कर ले। इसके बाद क्वांटिटी के अलावे क्वालिटी भी मायने रखता है। अब फोटो डाला हुआ है तो उसकी क्वालिटी को भी देखिए कि उसकी क्वालिटी और आपकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी भी जज करना है। और टाइप ऑफ फोटो, वो फोटो किस तरह का, इंटीरियर फोटो है, एक्सटीरियर फोटो है, प्रोडक्ट का फोटो है, स्टाफ का फोटो है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम का फोटो है, कस्टमर के द्वारा अपलोड किया गया फोटो है, ओनर के द्वारा अपलोड किया फोटो है, 360 डिग्री वाला फोटो है, वर्चुअल टूर की फोटो है, ये तमाम चीजें आपको देखना पड़ेगा। यदि उसके पास 360 डिग्री फोटो अपलोडेड है, वर्चुअल टूर एक तरह से गूगल का अपलोडेड है, तो वो आपसे भारी पड़ेगा, तो उस स्थिति में आपको उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग बात करें तो वह है आपका Q&A सेक्शन। अब Q&A सेक्शन में भी जाकर देखिए, Q&A मतलब क्वेश्चन और आंसर, दोनों पॉइंट पर जाकर देखिए कि वो किस तरह से उस पे क्वेश्चन आया है या क्वेश्चन उसने डिजाइन किया है, उन क्वेश्चन में किस तरह से कीवर्ड को इन्वॉल्व किया है, यानी कि ऐड किया है, उसी स्मार्टली तरीके से आपको भी अपने प्रोफाइल के Q&A सेक्शन को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आप एनालिसिस कर लीजिए कि आप कहाँ छूट रहे हैं पीछे। सिमिलरली आंसर के साथ भी होगा, आंसर में आप किस तरह से कंप्रहेंसिव या प्रोफेशनल जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर हम लोग स्मार्टली तरीके से कस्टमर को उसके अनुरूप
अपने कीवर्ड के साथ जब प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर को, क्वेश्चन को, तो वो तरीका और जो आपके कंपटीटर यूज कर रहे हैं कहीं उनकी तरीका तो आपसे बेहतर नहीं है, ये भी आपको एनालिसिस करना होगा। छठे पॉइंट पे हम लोग आए तो एट्रीब्यूट और जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उनको भी जाकर के एनालिसिस कीजिए, यानी कि उनके एट्रीब्यूट्स में क्या है, जैसे कि आपका पेट फ्रेंडली हो गया, वुमेन ओन्ड हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसा तो नहीं ना आपने एट्रीब्यूट को सादा छोड़कर रख दिया है, तो एट्रीब्यूट भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। गूगल की जो प्रोडक्ट लिस्ट होता है, जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो वहां भी जाकर के देखिए कि उसके प्रोडक्ट पे क्या क्या किस तरह का प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, और आपके प्रोफाइल पे प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो उसमें यदि नहीं है तो अपडेट कीजिए। यानी उसको आपको जाकर के देखना, प्रोडक्ट के अलावा सर्विसेज में किस तरह से सर्विस ऐड किया, तो उसमें क्या डिस्क्रिप्शन डिटेल डाला है, डिस्क्रिप्शन में भी किस तरह से वो कीवर्ड यूज किया है, प्राइसिंग डिस्प्ले किया है, ये तमाम चीजें आपको जा करके एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि हम लोग अगले पॉइंट पर पहुंचे तो कीवर्ड एंड एसईओ, आप देखिए ये जो पॉइंट है ना ये सबके लिए हो गया, मतलब सबके लिए बोले तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन था, आपका जो पोस्ट है, अपडेट है, इवेंट है, ऑफर है, हर जगह की बात आएगी। यानी कि जो स्पेसिफिक टारगेट कीवर्ड है जो कि लोकल सर्च टर्म से मिलना चाहिए, जिसमें सिटी का नाम नियर मी करके आना चाहिए, तो वो कीवर्ड जो है वो आपके पोस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन में यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज को देखिए। उस कीवर्ड की रैंकिंग को भी आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपके इंडस्ट्री में उस तरह के रिलेवेंट कीवर्ड की रैंकिंग की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से जो बंदा वो यूज कर रहा है आपका कंपटीटर, वहां तो हम कहीं पीछे नहीं छूट रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो लोकल पैक प्लेसमेंट की यदि हम बात करें, तो जो आपके गूगल के लोकली तौर पे जो फ्रेजेज होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उसको भी आप प्लेसमेंट प्रॉपर कर रहे हैं या आपका कंपटीटर आपसे बेहतर कर रहा है, ये चीज भी देखना जरूरी होता है। तो इस तरह से आप अपने जो कंपटीटर के जीएमबी है उसको एनालिसिस करते आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। और यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और फिलहाल बढ़ते हम लोग आठवें पॉइंट पे, और आठवां पॉइंट हमने यहाँ यूज किया है यूजर बिहेवियर एंड एंगेजमेंट। अब ये भी आपको देखना है कि उसकी जो कॉल टू एक्शन होता है वो कितनी क्लियरली यूज किया है, जैसे कॉल नाउ, विजिट नाउ, जब भी आप पोस्ट डालते हैं तो उसमें भी होता है आपकी कॉल नाउ लगाने के लिए, आप किसी वेबसाइट पर भी ले जा सकते हैं कि विजिट करा सकते हैं, तो ये चीज आपको देखना जरूरी है। कस्टमर के क्लिक्स और जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसको भी आप देखिए, वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा रहा है, डायरेक्ट मैसेज करा रहा है, मैप पे डायरेक्शन ले जा रहा है, ये तमाम चीजें आपको एनालिसिस करना है। ट्रैफिक एंड इनसाइट्स को भी देखिए कि उसके पास जो है पोस्ट के रिव्यू, जो भी ट्रैफिक आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, और आप कहाँ पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि नंबर वन पे है तो कुछ ना कुछ आपसे बेहतर कर रहा है, और इन तमाम चीजों को आपको एक बार बेहतर तरीके से एनालिसिस करने की जरूरत है। नवी पॉइंट, हालांकि ये जीएमबी से थोड़ी सी हटकर पॉइंट होगी, लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी जीएमबी में एक अपनी अलग रोल अदा करता है, वो है आपके कंपटीटर की वेबसाइट। जब कंपटीटर की वेबसाइट की बात आती है तो वेबसाइट की क्वालिटी मायने रखता है, उसकी बिजनेस की वेबसाइट जो है, चूंकि हम लोग जीएमबी में यूजुअली यूज करते ही हैं, तो उसकी डिजाइन, लोडिंग स्पीड, यूजर फ्रेंडली, डिवाइस फ्रेंडली, उसकी जो पूरी यूआई है वो किस तरह का है, आप तमाम चीजें देखिए। इसके अलावा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, उसके वेबसाइट के लेवल पे जाकर देखिए कि उसमें कीवर्ड किस तरह से प्लेसमेंट किया हुआ है। खास तौर पे आप इसके लिए टूल भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप एचआरएफ और एसएमआरएस के अलावा फ्री में गूगल बिजनेस, गूगल का भी आता है गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां से भी आप कुछ बहुत बेसिक चीजें तो जरूर आप चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको चेक करना है और उसके अनुरूप अपनी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज करनी है, क्वालिटी कम है तो क्वालिटी इंप्रूव करना है। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटेशन से लिस्टिंग, तो ये इनकी कमेंट में भी शामिल है, लेकिन इस पर डिटेल वीडियो बनता है किस तरह से चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये भी आपको देखिए जाकर के उनकी लिस्टिंग कहाँ कहाँ बनी हुई है। अब चूंकि इनको कहना है कि भाई कमेंट किया कि भाई कैसे हम समझेंगे
कि कहाँ कहाँ किए हैं। तो जावेद जी, हम प्रयास करेंगे कि आने वाला वीडियो में इस चीज पे मैं वीडियो बना दूँ कि आखिर साइटेशन और लिस्टिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंपटीटर को कि कहाँ कहाँ पे वो लिस्टेड है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए, इस काम को करने के लिए जितने भी हम तरीके बताए ये मैनुअल तरीका हो गया अपनी स्थिति से, लेकिन साइटेशन और लिस्टिंग को मैनुअली करना थोड़ा बहुत बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हर एक साइटेशन को जाकर ओपन करना, उसको उसमें जा करके सर्च करना कि वो है कि नहीं है, मतलब बेसिक तौर पे यही तरीका है। नहीं तो आपको बहुत सारे, जैसे मौज लोकल है, ब्राइट लोकल है, लोकालो डॉट कॉम करके है, ऐसे बहुत सारे आपका वाइट ब्राइट करके आता है, तो ये सारे वेबसाइट्स टूल्स है वो आने वाले वीडियो में बताएंगे। उसमें बहुत सारे फ्री है, फ्री ट्रायल है, पेड भी है, तो उस पर हम लोग सेपरेटली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये मैं बता दिया कि साइटेशन और लिस्टिंग भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी जब आप कंपटीटर की एनालिसिस कर रहे हैं। तो कुल ये 10 तरीके पे मैंने बात किया कि आप अपने कंपटीटर को मैनुअली आप अपने स्तर से कैसे चेक कर सकते हैं कि वो यदि आपसे आगे है तो क्यों आगे है, कहां आप पीछे छूट रहे हैं, ये तमाम चीजें आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप ही अपने प्रोफाइल, आपके कंपटीटर के प्रोफाइल को इसी तरह से गौर से एनालिसिस करेंगे और उस चीज की जो वो बेहतर कर रहा है, जो आप में कमी है, उसको पूरा करेंगे और आप ही अपने बिजनेस को टॉप पे लेकर आएंगे। फिलहाल यदि आप टूल पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि टूल पे वीडियो जरूर लाएं, और उम्मीद है कि आप यदि हमारे इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी वैल्यू मिला होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।